गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आप लोगों ने मैंने पहले सिखाया था कि वर्तमान काल के यानी कि जो हमने क्रियापद सीखा था, क्रियापद परिचय जो सीखा था, उसके अंदर मैंने आप लोगों को वर्तमान काल के परस्मै पद एंड आत्मने पद के कुछ रूप सिखाए थे, और उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को कुछ वर्ड भी दिए थे कि जिसको उसके अंदर डालकर आपको बनाना था, उसके रूप बनाने थे। जिस तरह से मैंने बोला था कि नृत्य है, तो नृत्य का अगर परस्मै पद के अंदर डालोगे तो क्या आएगा, नृत्यामि, पची उसके बाद आएगा मी वह मह सी थ थ ती थ अंति। इस तरह से आप लोगों को परस्मै पद के अंदर डालना था, और उसी तरह से आत्मने पद के अंदर डालना था, तो ई वह महे से इथे द्वे ते इते अंते। तो ये जो सारे वर्ड थे वो क्या थे, तो वो वर्तमान काल के पद थे। आज मैं आप लोगों को आज्ञार्थ के यानी कि आपने वर्तमान काल के लट लकार के देखे थे, आज मैं आप लोगों को आज्ञार्थ के जो प्रकार है उसी तरह से जो प्रकार होते हैं वो मैं आज सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी कि आज्ञार्थ, आज्ञार्थ मतलब हम किसी को जब आज्ञा, किसी को जब हम किसी की मंजूरी लेते हैं तब उसको हम आज्ञार्थ करें, मतलब किसी की मंजूरी लेना। तो इस यहाँ पर भी जो शब्द होते हैं वो उसी टाइप के होते हैं, तो इसको बोलते हैं आज्ञार्थ। और उसके कौन से प्रकार, तो उसके लोट लकार के प्रकार। बराबर, आज्ञार्थ के लोट लकार के पहले हमने देखे वर्तमान काल के लट लकार के रूप जो थे वो देखे, आज मैं आप लोगों को आज्ञार्थ के लोट लकार, इसके अंदर भी आत्मने पद और परस्मै पद इस तरह से दो प्रकार, जैसे पहले उसमें सीखा वर्तमान काल में, वैसे ही आज्ञार्थ के अंदर भी दो प्रकार आते हैं। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों को उसके लोट लकार के परस्मै पद के रूप सिखाऊंगी। तो परस्मै पद किसके थे, लोट लकार के। तो पहले जैसे हम लोगों ने कोष्टक बनाया था वैसा ही कोष्टक बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले वो कोष्टक बना लेते हैं। उसी तरह से तीन बॉक्स इस तरफ से और तीन बॉक्स इस तरफ से, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक वचन, त्रिवचन एंड बहुवचन। यहाँ पर क्या आएगा, एक वच उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एंड अन्य पुरुष। बराबर, तो उसी तरह से जो कोष्टक था वैसी तरह से हम लोग यहाँ पर कोष्टक बनाते। अब क्या होता है, इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या, जिस तरह से हमने मी व मह वाला देखा था उसी तरह से यहाँ पर हम डालेंगे। तो याद रखना परस्मै पद किसके, तो आज्ञार्थ के लोट लकार के रूप अभी सीखने जा रहे। तो सबसे पहले आएगा आनी, मैं इसको साइड में लिखती हूँ क्योंकि उसके बाद हमें रूप ही बनाना है। तो आनी, आ, आम। याद रखना आज्ञार्थ के लोट लकार के परस्मै पद के जो रूप है वो है आनी, आव, आम, ही, तम, त, ही, तम, त, लास्ट में आएगा तू, ताम, अंतु। बराबर, तो ये जो आज्ञार्थ के आनी, आव, आम, ही, तम, त, तू, ताम, अंतु, जिस तरह से हमने पहले वाले जो वर्तमान काल के याद रखे थे सबको इकट्ठा ही याद रखना है,
ताकि आप लोग जल्दी से सीख पाओगे। जैसे हमने पहले सीखा कि नी वह म सी थ थ ती थ अंति, तो उसके ऊपर से हमने वो आब महे वाला सीखा था। तो इसी तरह से ये उसके साथ भी सिमिलर ही, देखो मी है तो उसकी जगह पे नी, मी फिर व है तो यहाँ पर व, मी वह मह तो यहाँ पर म, तो इतना कुछ खास डिफरेंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस तरह से आपको याद रह जाएगा। तो आनी आव आम ही तम त तू ताम अंतु, बराबर किसके, तो आज्ञार्थ के परस्मै पद के रूप है। अभी ये हमारे पास रूप है, अभी इसके लिए हम एक वर्ड लेंगे कि उसको इसके अंदर ट्रांसलेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे वही शब्द हमारा पठ, यानी कि उसका जो मूल रूप है हमारा है पठ। अभी पठ यानी जो पहले भी हमने यही इसी के साथ ही जाएंगे ताकि आपको जल्दी से समझ में आए। पठ धातु का हमने वर्तमान काल में लिया कि पठामी पठावा पठामह इस तरह से, फिर उसके अंदर हम पर आत्मने पद में देखा, तो अभी इसी तरह से आज्ञात के अंदर परस्मै पद में देखेंगे। तो पठ, अभी इस पठ शब्द को हमें पठ आनी के अंदर ज्वाइंट करना है, मतलब कि पठानी। पठानी या पहले भी मैंने आपको बोला था और वापस बुलवा रही हूँ, समझा रही हूँ कि पठ मतलब कि यहाँ पे अ, अ मतलब कि स्वर आया, तो स्वर आया तो वो शब्द के साथ इंक्लूड हो जाएगा, मतलब कि पठानी। उसके बाद यहाँ पर भी अ है तो क्या आएगा, पठा व, और यहाँ पर आम है तो पठाम, बराबर। जो ये अ शब्द है वो उसी शब्द के साथ जुड़ जाएगा। अभी ये ही तो पठ मतलब कि जो शब्द है वही यहाँ पर हम लिख देंगे, क्योंकि पठ अगर यहाँ पे हम डॉट्स करते हैं तो पीछे ह तो हम बोलते ही है, इसलिए यहाँ पर पठ ही है तो हम सिर्फ पठ वो मूल शब्द उसका आ जाएगा। उसके बाद पठ तम ये शब्द साथ में पूरा ही लिख दिया हमने, तम उसके साथ में मतलब पठ तम, उसके बाद है ट, तो पठ त, लास्ट है अन्य पुरुष एक वचन, उसमें क्या आएगा पठ तु, वापस पठ ताम, और लास्ट में आएगा पठन, बराबर पठन तु। तो इसी तरह से परस्मै पद के आनी यानी कि पठानी और शब्द जॉइंट हो गया, तो पठानी पठाव बोलने में हमें यूज़ करते हैं, बोलने में हम यूज़ करते हैं अ का, लेकिन लिखने में पठाव और पठाम। उसके बाद पठ पठतम पठत पठंतु पठतम एंड लास्ट में आएगा पठंतु। तो ये हमारे परस्मै पद के जो रूप हैं उसके मतलब के लोट लकार के आज्ञार्थ पद है। इसी तरह से हम ये पठ शब्द लिया, अभी यहाँ पर हम लेंगे नृत्य, नृत्य मतलब डांस, तो इसको हम लेंगे उस इसी कोष्टक के अंदर हमें अगर डालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नृत्य, तो नृत्य को उसको हमने आनी शब्द के अंदर डालना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर नृत्या नी, यानी कि आ शब्द बोलते हैं लेकिन लिखने में हम उसको यूज़ नहीं करते, उसी तरह से नृत्या व, लास्ट में आएगा नृत्या म, बराबर उसी तरह से यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर ही शब्द लिखा है तो क्या करेंगे, जो हमारा मूल रूप है वही यहाँ पर, क्योंकि ही शब्द संस्कृत में बोलते हैं मतलब लिखते नहीं है, बोलते हैं हम नृत्या ही बोलते हैं, ह शब्द नृत्य ह पीछे हम बोलते हैं लेकिन उसको हम लिखते नहीं है, इसलिए नृत्य, और यहाँ पे आएगा नृत्यतम नृत्य त
म और लास्ट में आएगा नृत्य। कुछ नहीं करना है, सिर्फ शब्द को पीछे लिखना ही है, जो मूल रूप है उसके अंदर कोई बदलाव नहीं करना है, सिर्फ ये जो मेन शब्द है वो आपको याद रखना है और फिर उसको आपको सिर्फ लिखना है। लास्ट में आएगा नृत्यंतु यहाँ पे आएगा नृत्यताम। और नृत्यंतु। तो इस तरह से आज आप लोगों को मैंने आज्ञा के लोट लकार के परस्मै पद के जो रूप थे उसको मैंने समझाया और उसके अंदर मैंने आपको दो एग्जांपल दिए। इसके लिए मैं आप लोगों को अगर रिवीजन करने के लिए मैं आपको दो तीन और वर्ड देती हूँ, जैसे कि कथ शब्द है यानी कि कहना, तो उस शब्द के ऊपर से आप ये कर सकते हैं। उसके साथ साथ लिख मतलब कि राइटिंग लिखना, तो लिख ये दो शब्द का आप इसी तरह से रिविज़न कर सकते हैं। नेक्स्ट पीरियड में हमें आपको इसके वर्तमान आज्ञार्थ के लोट लकार के आत्मनेपद के रूप समझाऊंगी। थैंक यू।